भाई नाराज होने का कारण उपस्थित हो गया। टोंग किया जा रहा है कि भारत में चुनाव हो रहा है, आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके चाहेगी तो इस सरकार को बरकरार रखेगी, चाहे तो हटा देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत से आम लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक होकर के आए हैं, उनकी नीतियों से परेशान होकर के। वो चाहते हैं कि हमको इस पटल पर खड़े होकर के अपनी बात कहने का मौका मिले। हम साधु संत भी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रभाव डाल करके प्रशासन के ऊपर, चुनाव अधिकारी के ऊपर तकनीकी कारण निकाल करके कि आपके अक्षर का साइज बड़ा है छोटा क्यों है, इस तरह की चीजें निकाल करके वो सबका नामांकन रद्द कर दे रहे हैं। ये कहाँ का वो है, ये तानाशाही नहीं तो क्या है। श्री भगवान जी सनातन धर्मियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से निर्दल प्रत्याशी थे, उनका पर्चा जबरदस्ती का कारण बना करके खारिज कर दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कारण बताया जा रहा है कि आपने इकट्ठा क्यों कॉलम में लिख दिया, एफिडेविट में इकट्ठा क्यों लाइन लगा करके खींच दिया, सब में अलग अलग लिखना चाहिए था। अरे जब एक लाइन पूरे में लगा करके एक चीज लिखी हुई है तो सबकी मानी जाती है। 1000 लोगों को एफिडेविट पढ़ा लिया जाए, अगर एक भी व्यक्ति ये कहे कि नहीं ये जो लिखा गया है सबके लिए नहीं लिखा गया है, केवल एक के लिए लिखा गया है, तो हम मान लें। जब तिरछा करके कालम में लंबी लाइन खींच करके एक वाक्य लिख दिया गया तो उसको कह रहे हैं कि नहीं ये तो अलग अलग हर कॉलम में सामने लिखना चाहिए था, इसीलिए आपका पर्चा खारिज हो जा रहा है। ये कौन सा ऐसे कौन सा वो है, ये कौन सी हमारी कमी है बताए हो। ये बात हमारे लॉयर ने बताया कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पूरा पर्चा सही भरा है, उनके सामने भी जा करके दे दिया गया है, दोबारा भी उन्होंने बुलाया, फोन करके जा करके बता दिया गया है, तो उसके बावजूद हमारा पर्चा खारिज कर दे रहा है ये कागज निकाल करके। क्या आपके तकनीकी खामी है भाई, तानाशाही है, नहीं चाहते है कि हमारे सामने कोई लड़े, क्योंकि उनका बहुत बड़ा विरोध है काशी में। काशी में उन्होंने जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा है, काशी में जिस तरह से गंगा के खिलाफ उन्होंने छल किया है, जिस तरह का काम कहा था वो नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि जनता में हमको ना जाना पड़े, और अगर जाए तो हम ही अकेले जाए ताकि जो वोट मिले हम ही को मिल जाए, दूसरा कोई लड़ी ना सके, इसके लिए वो ये करवा रहे हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। किसी अधिकारी से मिलने कहा दिया जा रहा है, पुलिस आकर के रोक दे रही है कि आप आगे नहीं जा सकते, आप किसी से नहीं मिल सकते हैं। भाई हमारा क्या कदम है, हम सड़क पर हैं, हम आम आदमी है, हम तो प्रधानमंत्री नहीं है, हम तो तानाशाह नहीं है, हमारे पास तो अमित शाह जैसा अध्यक्ष नहीं है, हमारे पास तो नोटबंदी करके पैसा इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं है, हम तो आम आदमी है, इसी सड़क पर बैठेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, मरेंगे, और क्या कर सकते हैं, इसी के लिए तो हम जन्मे हैं भारत में।